हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सीए कार्तिक जोशी और आज हमारा टॉपिक है जीएसटी प्रोविजंस इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ रजिस्टर्ड डीलर एंड अ प्रोसीजर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। समझते हैं कैसे ये प्रोविजंस को अप्लाई करना है और कैसे इसमें जीएसटी प्रावधान को ध्यान दिया जाता है। ऑप्शंस अवेलेबल, अगर से फॉर एग्जांपल कोई जीएसटी रजिस्टर की डेथ हो जाती है तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? ऑप्शंस दो है, या तो हमें बिजनेस क्लोज कर देना है या तो वायर लीगल हायर हमें बिजनेस चलाना है। हम दोनों टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। या तो क्लोज बिजनेस या रन द बिजनेस। तो पहले समझेंगे अगर बिजनेस क्लोज करना है तो क्या प्रोसीजर है। अगर बिजनेस क्लोज करना है तो पहले जो लीगल हायर है उसको ये देखना है कि जो रजिस्टर्ड डीलर था जिसकी डेथ हो चुकी है वो उसने जीएसटी का रिटर्न कंप्लायंस पूरे किए हुए कि नहीं हुए। अगर वो रिटर्न कंप्लायंस पूरे हुए है या नहीं वो देख के उसको नजदीकी जीएसटी ऑफिस जहां वो रेंज में जहां उसका रजिस्ट्रेशन फॉल हो रहा है वहां उसको विजिट करनी है विद अ डेथ सर्टिफिकेट ऑफ अ रजिस्टर्ड डीलर, आईडी प्रूफ ऑफ द लीगल हायर जो लीगल हायर है या उसने वसीयतनामा जो बनाया हुआ है वो वसीयतनामा लेके जाना है, जीएसटी सर्टिफिकेट और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस के भाई आज की डेट में ये प्रोसेस है, जीएसटी रजिस्टर की डेथ हो चुकी है और हमें रिटर्न कंप्लायंस पूरा करना है और ये नंबर सेंड करना है। इसके अंदर अगर वो जा रहा है तो वो उसके दो फॉर्म अपलोड करने हो, एक फॉर्म अपलोड करना होगा। वो फॉर्म कौन सा है? वो फॉर्म है फॉर्म नंबर 16। जो लीगल हायर है उसको फॉर्म नंबर 16 अपलोड करना है, पर वो फॉर्म क्या डायरेक्ट अपलोड कर पाएगा? नहीं। उसके लिए उसको क्या करना है, वो जब जजिस्ट असेसिंग ऑफिसर को अप्रोच करता है तो असेसिंग ऑफिसर को अगर वो डॉक्यूमेंटेशन पूरा परफेक्ट वो समझता है, वो एग्री होता है कि हाँ ये लीगल हायर ही एलिजिबल है ये कंप्लायंस करने के लिए, तो उस केस के अंदर वो एक टेम्पररी लिंक टेम्पररी आईडी और पासवर्ड जनरेट करके देंगे ऑन द बेसिस ऑन जीएसटी लीगल हायर के पॉइंट ऑफ व्यू। वो लीगल हायर को देंगे अथॉरिटी के भाई अभी जो पेंडिंग कंप्लायंस है वो आप पूरे करोगे और वो न्यू आईडी और पासवर्ड जनरेट करके उसको देंगे लीगल हायर को। वो लीगल हायर जब उसके पास आईडी पासवर्ड आएगा तो ये फॉर्म 16 अपलोड करेगा। वो फॉर्म 16 अपलोड करना है फॉर कैंसलेशन 30 days विद इन 30 days ऑफ अ डेथ ऑफ अ रजिस्टर्ड डीलर। तो रजिस्टर्ड डीलर की डेथ होने के 30 days के अंदर अंदर उसे डिपार्टमेंट अप्रोच करना होगा और एक न्यू आईडी पासवर्ड और अथॉरिटी लेके उसे ये कंप्लायंस पूरा करना होगा। जब ये फॉर्म 16 अपलोड करेगा उसके सामने असेसिंग ऑफिसर वो पूरे डॉक्यूमेंटेशन जो फॉर्म 16 के अपलोड होंगे उसको देख के अगर वो उसको सेटिस्फाइड होता है तो वो फॉर्म 19 ऑर्डर करेगा, दैट इज ऑर्डर फॉर कैंसलेशन विद इन 30 days ऑफ द एप्लीकेशन। अभी हम समझते हैं कि अगर वो फॉर्म 16 अपलोड करना है तो उसमें क्या अपलोड करना है लीगल हायर को। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, उसे क्या अपलोड करना है? उसे अपलोड करना है डेथ सर्टिफिकेट ऑफ अ रजिस्टर्ड डीलर जिसकी डेथ हो गई है, आईडी प्रूफ, डिटेल्स ऑफ द स्टॉक हेल्ड ऑन द डेट ऑफ रजिस्टर्ड डीलर। तो जिस दिन रजिस्टर्ड डीलर की डेथ होगी उसके पास उसके इन हैंड कंपनीज के अंदर जो स्टॉक पड़ा हुआ था, जो कैपिटल एसेट पड़े हुए थे, उसके ऊपर जो इनपुट क्रेडिट है उसकी डिटेल्स, जो स्टॉक पड़ी है उसकी डिटेल्स मैच करके इनवॉइस के साथ कि भाई ये मेरा स्टॉक है उसके रिलेटेड ये मेरी ITC अवेलेबल है, वो डिटेल्स इसको अपलोड करनी है, जीएसटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, रिटर्न फाइलिंग का कंप्लायंस उसको न्यू आईडी पासवर्ड आने के बाद उसको पूरा करके वो उसका स्टेटस अपलोड करना है, एड्रेस प्रूफ अटैच करना है, बैंक क्लोजर सर्टिफिकेट अपलोड करनी है और इंडेमनिटी सर्टिफिकेट अपलोड करनी है कि कल उसके फ्यूचर में कोई भी लायबिलिटी आती है कोई भी लीगल कंप्लायंस आते हैं तो वो लीगल हायर फुलफिल करेगा, वो साथ अटैच करके इसको फॉर्म 16 अपलोड करना है। अभी आता है जब वो स्टॉक की डिटेल्स अपलोड करेगा जो उसके पास कैपिटल एसेट्स है उसकी डिटेल अपलोड करेगा, उसके अंदर उसके पास दो ऑप्शन है, उसके पास ITC रिवर्सल का केस आ सकता है ऑन इनपुट्स के ऊपर और कैपिटल गुड्स के ऊपर। तो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स पे कैसे ट्रीटमेंट होगी? अगर इनपुट्स है तो प्रोपोर्शनेटली ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक इन हैंड मैचिंग विद द इनवॉइस फॉर दैट स्टॉक, उसके पास जो स्टॉक पड़ा है उसको इनवॉइस के साथ मैच करके उसको डिटेल निकालेंगे मेरे पास XYZ अमाउंट की ITC अवेलेबल है। और फॉर एग्जाम्पल ऑन कैपिटल गुड्स, अगर कैपिटल गुड्स की उसके पास ITC अवेलेबल है तो वो उसको किस तरह से डिसीजन लेना पड़ेगा? ऑन प्रो रेटा बेसिस कंसिडरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट्स इन मंथ टेकिंग लाइफ एज 5 years और टैक्स ऑन सेल वैल्यू विच एवर इज हायर। ये पॉइंट को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अगर उसके पास कोई एसेट है जिसकी वैल्यू 1 lakh rupees है और GST उस पर 18,000 rupees है, उसने 3 साल ही एसेट यूज किया, यूज फॉर 3 years, तो जीएसटी फॉर रिमेनिंग लाइफ कितना हुआ? 18,000 है, 2 years बाकी है, 24 months, 24 divided by 63 7,200 की ITC और उसकी बाकी पड़ी है जो उसको रिवर्स करनी होगी। अब से फॉर एग्जांपल वो एसेट्स वो बेच रहा है और उसको रियलाइज हो रहा है 20,000 rupees, तो 20,000 उसका जीएसटी आ रहा है 3,600, तो इसको ITC रिवर्स कितनी करनी है? 3,600 भरनी है डिपार्टमेंट को या 7,200? तो जैसे ही हमने आगे पढ़ा
आईटी से रिवर्स करनी होगी, जीएसटी टू बी पेड ऑन द हायर साइड दैट इज 7200 उसको रिवर्स करके उसको गवर्नमेंट को पे करनी है। अभी पे करने का कंप्लायंस देखो, पे करने का कंप्लायंस क्या बोलता है, ये कहता है कि वेर अ पर्सन लायबल टू पे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी कुछ भी आ रहा है बिफोर हिज डेथ और आफ्टर हिज डेथ, वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो लीगल हायर जिसने वो कंप्लायंस की जवाबदारी ली हुई है उसको ये बिफोर और आफ्टर डेथ जो भी अराइज हो रहा है वो कंप्लायंस उसको पूरा करना है। फॉर एग्जाम्पल रिटर्न फाइलिंग पेंडिंग थे तो उसके इंटरेस्ट पेनल्टी उसको भरनी है, जो आईटी से रिवर्सल करना है, जो कैपिटल गुड्स के ऊपर उसको आईटी से भरना है वो उसको रिवर्स करना है आफ्टर हिज डेथ, तो वो उसको पूरा करना है। अभी से फॉर एग्जाम्पल उल्टा केस हो गया, समझ उसको रिफंड आ रहा है, रिफंड के अंदर क्या कहता है, अगर उसकी आईटीसी पड़ी हुई है गवर्नमेंट के पास, अगर उसकी आईटीसी है तो उसका कोई रिफंड उसको नहीं मिलने वाला, पर से फॉर एग्जांपल उसको कैश आईटीसी पड़ी हुई, कैश बैलेंस में उसका पैसा पड़ा हुआ है तो वो रिफंड क्लेम कर सकता है, उस केस के अंदर ही इज एलिजिबल फॉर द रिफंड। अभी अगर यहां ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो फिर उसका कंप्लायंस का हुआ रिटर्न, उसको रिटर्न फाइल करना है क्या नहीं करना है, उसको एनुअल रिटर्न और ईएसआई कंप्लायंस करना है क्या नहीं करना है वो समझते हैं। वो क्या कहता है, रेगुलर रिटर्न्स टू बी स्टॉप्ड वंस द कैंसलेशन एप्लीकेशन इज डन, जैसे उसने कैंसलेशन एप्लीकेशन डाल दिए कि भाई हमें जो रजिस्टर्ड डीलर था उसकी डेथ हो चुकी है, तो उसको जो पेंडिंग रिटर्न्स थे वो उसको कंप्लाई करके उसको वहां स्टॉप हो जाना है कि अभी जब बिजनेस नहीं है, जब कुछ करना आना नहीं है तो उसको सारे रिटर्न्स के कंप्लायंस स्टॉप कर देना है, पर वहां वो फ्री नहीं होता। अगर एनुअल रिटर्न्स है, से फॉर एग्जाम्पल उसकी 31 मार्च को डेथ हो रही है या फरवरी जनवरी कभी भी उसकी डेथ हो रही है, तो उसका जो एनुअल रिटर्न है और अगर वो 5 करोड़ के ऊपर का डीलर है तो उसका जो जीएसटी ऑडिट है, एनुअल रिटर्न है, वो सारा कंप्लायंस एज अ लीगल हायर उसको जब जब टाइम आएगा तब उसको ये फुलफिल करना है। अगर आगे बात देखते हैं तो सोकॉज नोटिस, अगर फ्यूचर में उसको कोई भी डिमांड आ रही है, फ्यूचर में कोई भी उसको नोटिसेज आ रही है, तो लीगल हायर को उसका सोकॉज का रिप्लाई करना होगा। तो ये हुआ पूरा प्रोसीजर अगर बिजनेस क्लोज करना है, तो अगर बिजनेस क्लोज करना है तो उसको फॉर्म 16 अपलोड करना है, फॉर्म 16 के साथ फॉर्म 19 आएगा, फॉर्म 19 आने के बाद उसको अगर आईटी से रिफंड क्लेम करनी है तो उसको आईटी से क्लेम तो कर नहीं सकता, पर अगर उसको कैश है तो कैश वो कैश रिफंड ले सकता है, और उसको अगर कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू तो कंप्लायंस में उसको रिटर्न फाइल से वो मुक्ति मिल सकती है, पर एनुअल रिटर्न का कंप्लायंस करना होगा। और लीगल हायर है तो लीगल हायर के पॉइंट ऑफ व्यू उसको सोकॉज नोटिस फ्यूचर में कोई भी आती है तो उसका भी उसको रिप्लाई करना होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, से फॉर एग्जाम्पल उसको बिजनेस रन करना है, तो अगर एक बात हुआ हमने जो अभी तक पढ़ा वो है बिजनेस क्लोज करना, पर अगर उसको चाहता है कि लीगल हायर बिजनेस चलाना चाहता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। पहले तो उसको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, अप्लाई करने के टाइम के ऊपर वहां आता है एक पॉइंट न्यू रजिस्ट्रेशन के रीजन फॉर रजिस्ट्रेशन, तो वहां उसको डालना है डेथ ऑफ अ रजिस्टर्ड डीलर, डेथ ऑफ अ रजिस्टर्ड डीलर हुआ है इसलिए वो एज अ लीगल हायर या जो भी है वो अपना बिजनेस चलाना चाहता है विद अ न्यू नेम, उस केस के अंदर उसको न्यू रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करना है विदिन 30 डेज। फिर आती है पॉइंट आईटीसी का, तो से फॉर एग्जांपल जो पुराना डीलर था, जो पुराना रजिस्टर्ड डीलर था जिसकी डेथ हो गई है, उसके अंदर आईटीसी पड़ी हुई थी और वो आईटीसी ये ट्रांसफर करना चाहता है खुद के अंदर, तो उसके अंदर उसको क्या प्रोसीजर है, उसको फाइल करना है फॉर्म जीएसटी आईटीसी 02 02 फॉर आईटीसी ट्रांसफर विद सीए सर्टिफिकेट। सीए सर्टिफिकेट क्यों अटैच करना है, सीए सर्टिफिकेट अटैच करना है कि जो एसेट्स वो ट्रांसफर कर रहा है अपने बुक्स के अंदर उसके साथ में गवर्नमेंट की जो भी फ्यूचर लायबिलिटीज आएगी वो भी अपने साथ वो लेके जा रहा है। जैसे हमने देखा कि लीगल है सोकोस का रिप्लाई करेगा, इस केस के अंदर अगर वो बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, वो उसकी आईटीसी क्लेम कर रहा है, तो उसको फ्यूचर में अगर कोई भी डिमांड, कोई भी असेसमेंट, कोई भी स्क्रूटिनी आएगी पुराने डीलर को, वो भी वो फुलफिल करेगा, तो उस केस के अंदर उसको सीए सर्टिफिकेट भी लगाना है कवरिंग ऑल एसेट्स लायबिलिटीज फ्रॉम और डिजीज लॉग इन। हाँ, तो ये आईटीसी 02 फाइल कहां से करना है, ये फाइल करना है हमारा जो ओरिजिनल रजिस्टर्ड डीलर था जिसकी डेथ हो गई थी उसके लॉग इन से हमें आईटीसी 02 फाइल करना है, उसके अंदर हमें डालना है कि ये आईटीसी हमें ट्रांसफर का करनी है, तो हमें जो न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर हमें अलॉट होगा उसके अंदर हमें जीएसटी का न्यू नंबर डालना है कि ये आईटीसी हमें वहां ट्रांसफर करनी है, और इस तरह से हमें ये न्यू बिजनेस स्टार्ट होगा और फिर वो अपना बिजनेस कैरी ऑन करेगा, फिर उसके कंप्लायंस करना है, पुराना कंप्लायंस से फ्री होके नए नंबर से नया कंप्लायंस जो लीगल हायर होगा वो उसका फुलफिल करेगा। तो आज के लिए इतना ही, आप समझ गए होंगे ये दो ऑप्शन है, या तो इन केस ऑफ डेथ होती है तो उसको क्लोजर का प्रोसीजर क्या है और रन करना है तो ये प्रोसीजर क्या है। अगर आपके केस कहीं भी आपको ऐसे कोई एसएसएस दिख रहे हैं जहां किस तरह कोई प्रोविजन आ रहे हैं तो उसको ये वीडियो शेयर जरूर करना ताकि वो ये कंप्लायंस फुलफिल करके गवर्नमेंट के लिटिगेशन और पेनल्टी से बच सके। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। बाय।